व्यापहरणकारित करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी गोला के निर्देशन व जय नारायण शुक्ला प्रभारी निरीक्षक बढ़लगंज के निकट पर्यवेक्षण में थाना बढ़लगंज की पुलिस टीम द्वारा थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 115-23 धारा 363 भादवी से संबंधित अभियुक्त दीपक पुत्र जीतू निवासी मामखोर थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। मालहनपार में उत्तर प्रदेश सरकार के हज समिति के सदस्य मोहम्मद इस्तिखार हुसैन ने कहा कि मुसलमान भाई केवल वोट बैंक के रूप में देखे जाते हैं। आज अगर कोई पार्टी हम सब मुसलमान भाइयों के बारे में सोचती है तो वो भाजपा है। पिछली सरकारों ने हम सभी मुसलमान भाइयों के साथ छलावा किया है और हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। अगर कोई हम लोगों को समझा है तो वह भाजपा की सरकार है जो हमेशा सबका साथ सबका विकास से आगे बढ़कर सबका साथ सबका विकास और विश्वास सबका प्रयास को लेकर आगे बढ़ रही है। उक्त बातें मालहनपार में उत्तर प्रदेश सरकार के हज समिति के सदस्य मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन ने कही। क्षेत्राधिकारी बांसगांव प्रशाली गंगवार ने मोटरसाइकिल से किया फ्लैग मार्च। बांसगांव क्षेत्राधिकारी प्रशाली गंगवार ने होली के त्योहार के दृष्टिकोण में क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाने के लिए तथा कोई भी अराजक एक त्योहार में विघ्न डालने की कोशिश ना करें, ऐसा करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेंगी। इसी को देखते हुए क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष बांसगांव विज्ञानकर सिंह द्वारा बांसगांव मालहन पार भैंसा बाजार पाना पार बढ़नी हरदही परसियां भटौली आदि चौराहों पर मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। इस अवसर पर चौकी इंचार्ज हरदही राम सिंह, उप निरीक्षक नित्यानंद पांडे, उप निरीक्षक राजेश यादव व पूरा थाना व पीएसी टीम फ्लैग मार्च में मौजूद थी। होली के शुभ अवसर पर बच्चों में कपड़ों का हुआ वितरण। बांसगांव खुशियों एवं रंगों का त्योहार होली चल रहा है। इस रंगारंग त्योहार पर सभी बच्चे गुजिए के साथ साथ नए कपड़े पहनकर सभी होली मिलन की तमन्ना कर रहे हैं, पर कोरोना महामारी के बाद सभी लोग अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाने में असमर्थ हैं। इस रंगोत्सव के अवसर पर मातृ आंचल सेवा संस्थान के बैनर तले पुष्पलता सिंह, रशिका चतुर्वेदी, उत्कर्ष उत्थान, अनय व तनय आदि ने हनुमंत नगर में गरीब झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों में निःशुल्क कपड़ों का वितरण किया। कपड़े पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर रशिका चतुर्वेदी व पुष्पलता सिंह ने बच्चों के साथ साथ अभिभावकों से बच्चों को पढ़ाने हेतु जागरूक किया। इस अवसर पर सिमरन, गुंजा, हदीस, सैफू, अहाना आदि लोग मौजूद रहे। ब्रिजेश को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर सपाइयों ने दिया बधाई। गोला गोरखपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ब्रिजेश कुमार गौतम को गोरखपुर का सपा जिलाध्यक्ष बनाया गया है। श्री गौतम को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त की। बता दें कि श्री गौतम चिल्लूपार विधानसभा के चड़ेरिया गांव निवासी हैं। श्री गौतम 1993 में बसपा में बूथ अध्यक्ष बनाए गए। बधाई देने वालों में सपा नेता व भावी चेयरमैन पद के प्रत्याशी ताम्रध्वज बहादुर चंद उर्फ भैया दीपक कुमार चंद, सरोज आलम उर्फ मुन्ना हाशमी, राजकुमार प्रजापति, श्रीकांत यादव, मनोज चंद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। बढ़लगंज में जलकल विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बढ़लगंज में जलकल विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। 12 दिनों से पानी की आपूर्ति ठप है, जिसके चलते लोगों को पेयजल का संकट बना हुआ है। लोगों को भारी असुविधा हो रही है, जिसके चलते लोगों ने आज प्रदर्शन भी किया है। पानी आता है? पानी इधर 10-12 दिनों से दिक्कत है, आ ही नहीं रहा है। तो इसकी कंप्लेन आपने किया? सामने कंप्लेन के लिए एक दो दिन बारी गया गया, लेकिन कोई मिल नहीं पाया वहाँ पे, तो जानकारी दे नहीं पाए उधर। अब आज फिर जाया जाएगा,
और बाकी भी एक दो चीजें हैं, नाली के कट्टे, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। परेशानी तो है, सबको है, मोहल्ले के लोगों को भी है, पानी का दिक्कत है। कनेक्शन कट गया फिर भी 5 सालों से आ रहा है बिल। बहीडाड़ी ग्राम सभा के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन कट गया है, परंतु विगत 5 सालों से बिल आ रहा है। पीड़ित विद्युत विभाग से आज ही जाकर उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है। क्या नाम पड़िया पर कहाँ घर है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत बा, परेशानी का बात? लाइनिया कट गए बिल, कितना दिन से कटल विद्युत? लगभग 18 साल थे। 5 साल से बिल आउट बा। अब ये शिकायत कहीं नहीं, शिकायत सब कहीं दे रहे कागज, कोई सुनवाई नहीं है। विधायक ने सड़कों की मरम्मत की बात कही। चिल्लू पार्टी विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि 9 महीने का मेरा कार्यकाल था, सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। होली के मौके पर उन्होंने सड़कों की मरम्मत की बात कही। 9 महीने का मौका हमको मिला है। इस 8-9 महीने में हमारे सामने जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, चुनौती थी, वो था टूटी हुई सड़कों को ठीक कराना। उस चुनौती को मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरीके से इस 8-9 महीने के अंदर मैंने खत्म कर दिया है, मगर तेजी से हम उस तरफ बढ़ चले हैं। सड़कों पे के मरम्मत का, नवीनीकरण का काम शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में जितनी सड़कें टेंडर में हमारी लगी हैं, हमारी यह कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग पहले पुरानी जितनी हमारी खराब सड़कें हैं। त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कराया सुरक्षा का एहसास। उनवल चौकी अंतर्गत चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार पांडे व पीएसी सहित मय फोर्स के साथ नेतृत्व में होली व शबे बारात को देखते हुए फ्लैग मार्च किया गया और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया और कस्बे के जगह जगह जाकर लोगों को शांति में तरीके से त्योहार मनाने के लिए कहा गया। चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार पांडे ने बताया, होली में हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं और त्योहार में खलल करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी का आदेश हुआ बेअसर, देर शाम तक भी नहीं हो पाई पानी व्यवस्था बहाल। बरहल नगर पंचायत में 12 दिनों से पानी की व्यवस्था ठप है, पेयजल की समस्या है। आज सबे बरात भी बीत गया लेकिन किसी भी प्रकार से पानी को बहाल नहीं कराया जा सकता। लोड धरने पे है, आइए जानते हैं क्या कहते हैं लोड। आपसे कल फोन किया, बात हुआ, वो बोल रहे हैं कि हम चेयरमैन साहब मीटिंग में हैं। फिर मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में है, थोड़ी देर बाद फोन करिए। एडीएम साहब को फोन किया गया तो अभी जो है कह रहे हैं मीटिंग में है। ईओ साहब से बात हुआ, कई बार बात हुआ, यहाँ तक कि हमने कहा कि कहिए तो हम मोटर जो है मंगवा करके दे देते हैं और जब आपको समझ में आएगा हमारा मोटर जो है वापस कर दीजिएगा। हम मंगवा दे रहे हैं मोटर ठेकेदार से कह करके, या तो उसको जो कार्यादेश दे दीजिए या तो क्या कहा जाता है आप कहिए तो हम अपने पास से मोटर खरीद कर दे देते हैं। पंचायत द्वारा क्या कहा किया जा रहा है, किन कारणों से पानी नहीं आ रहा? नगर पंचायत जो है हमेशा यही कह रही है कि 2 घंटे में पानी चालू हो जाएगा, 3 घंटे में पानी चालू हो जाएगा, आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो जाएगा, बस यही बात हो रहा है। वर्तमान में बात आप ईओ से आपने की है तो ईओ ने क्या कहा है? अभी अभी ईओ साहब जो है बोले हैं कि सरकार बेहतर काम कर रही है परंतु भ्रष्टाचार उतने का नाम नहीं ले रहा है। बाजवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि सरकार का काम बेहतर है, भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। निचले स्तर पर और भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, महंगाई बढ़ रही है परंतु जब विकास हो रहा तो महंगाई। सरकार बेहतर है कि निचले पौधा में भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा? प्रशासन का काम कैसा चल रहा है इस समय? प्रशासन का काम निचले स्तर पे ठीक नहीं है, जैसे थोड़ा भ्रष्टाचार अभी जड़ से खत्म नहीं हुआ है। महंगाई देखिए, जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी और विकास होना भी जरूरी है, तो महंगाई कोई बहुत विशेष कारण नहीं है।